आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहे कि हम लोग के पास एक कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों को सेम फोकल लेंथ है एयर में, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्लिसरीन में सबमर्ज कर रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होने वाला, एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन होने वाला, एक लिक्विड में हम लोग उसको दोनों को सबमर्ज कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ दोनों का कैसे चेंज होगा ये हम लोग को पूछा गया है। तो कॉनकेव मिरर जो है, इट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। वो क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज लाइट आके हिट करते चला जाते, राइट। देर इज नो नथिंग लाइक रिफ्रैक्शन हैपनिंग हियर, देर इज नथिंग लाइक लाइट गोइंग थ्रू द मिरर और द सब्सटेंस, राइट। तो ये केस में हम लोग बोल सकते हैं कि उसका फोकल लेंथ विल नॉट चेंज एट ऑल, द फोकल लेंथ विल नॉट चेंज एट ऑल, क्योंकि ये जो अगर हम लोग ये इसमें रखेंगे, एयर में रखेंगे, तब भी क्या होगा, लाइट रेस आके हिट करके चला जाएगा, और जब हम लोग ग्लिसरीन में रखेगा तब भी क्या होगा, ये लाइट रेस आके हिट करके कुछ एफेक्ट करना वाला फैक्टर है नहीं है, राइट। दैट इज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विच इज प्लेस्ड इन, राइट। द कॉनकेव और कॉन्वेक्स फॉर दैट मैटर, दोनों मिरर्स का, कॉन्वेक्स मिरर्स फोकल लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और द इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड इन, राइट। बट हम लोग अगर लेंस का बात करें तब ये क्या है, ये ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि लेंस जो है वो क्या है, इसमें रिफ्रैक्शन होते हैं, लाइट रे आते हैं, लाइट रे रिफ्रैक्ट होके फिर क्या होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है तो डाइवर्ज होते हैं, राइट। तो देर इज दिस रिफ्रैक्शन हैपनिंग, रिफ्रैक्शन ओपनिंग, एंड बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपनिंग क्या होगा, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपनिंग द फोकल लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन द फोकल लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन द क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और नहीं तो मीडियम पे ही डिपेंड करते हैं ये जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो होगा, क्योंकि देर इज रिफ्रैक्शन हैपनिंग हियर, राइट। तो हम लोग ये कैसे फाइंड करेंगे, वी नो फॉर ए लेंस 1/f इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू नॉर्मली क्या है इन एयर एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इन एयर -1 × ये जो मटेरियल है, ये अगर ग्लास है तो एन ग्लास -1 × 1/r1 - 1/r2 होते हैं, राइट। ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द सरफेस, एंड r2 ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द सरफेस, राइट, एंड g -1। बट वट इनसाइड ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL, तब क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू NG/NL -1 × 1/r1 - 1/r2 हो जाते हैं। तो ये केस में अगर हम लोग देखेंगे NG/NL का वैल्यू श्योरली क्या होगा, NG से लेसर होगा, क्योंकि NG/NL जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 वाला, NL इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर NG/NL विल हैव अ वैल्यू लेस देन NG। तो 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ दिस, देयरफॉर NG/NL का वैल्यू इससे लेसर होगा, मतलब सिंस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर जो ये जो टर्म है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/f इज इक्वल टू NG - 1 है, देयरफॉर f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म, वी कैन से NG/NL का वैल्यू अगर NG से लेसर है तो क्या होगा, ये केस में फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, राइट। तो ये केस में अगर f2 लिख रहे, ये केस में हम लोग f1 लिख रहे, देन वी कैन राइट f2 इज ग्रेटर देन f1, f2 इज ग्रेटर देन f1 होगा, क्योंकि ये जो वाला टर्म है ये क्या होगा, इसका वैल्यू लेसर होगा इसका कंपैरिजन में, देयरफॉर
सिंस फोकल लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ टू विल बी ग्रेटर देन एफ वन, दैट इज फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, बट मिरर का केस में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इट इज प्लेस्ड इन, देयरफॉर कौन सा चेंज सही होगा, द मिरर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर रिमेन्स अनचेंज्ड बट दैट ऑफ द फोकल बट दैट ऑफ द लेंस इंक्रीजेस, ऑप्शन बी इज अवर राइट चॉइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।